hello everyone welcome to shivi study ship i hope you all are very well we are studying R.S. sharma asian indian history chapter number 27 harsh and his time already we have discussed 26 chapter in our previous lecture so now shall we start chapter number 27 harsh and his time so in this chapter we will discuss about the harsh and his time in which we will discuss the administration art and architecture लिटरेरी सोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल अदर थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू हर्श एंड इस टाइम तो जल्दी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर्ष किंगडम द गुप्ता विद्या सीट ऑफ पावर इन यू एंड बिहार रूल्ड ओवर नॉर्थ नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया फॉर अबाउट वन सिक्सटी ईयर अंटिल द मिड सिक्स सेंचुरी तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें हर्ष के किंगडम के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं जो गुप्तास थे जो उनकी पावर थी वो सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी वाले एरिया में रही है जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो टाइम के लिए रूल किया है वो था हमारा नॉर्थ और जो हमारा वेस्टर्न इंडिया था एंड फॉर अबाउट वन सिक्सटी ईयर्स अंटिल द मिड सिक्स सेंचुरी ठीक है तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हर्ष से पहले जो एक काफ़ी अच्छी जो हम पावरफुल पावर power की बात करें तो वो गुप्तास की थी और मेनली वो भी यूपी और बिहार वाले एरिया में देन नॉर्थ इंडिया अगेन स्प्लिट अप इन टू सेवरल किंगडम ठीक है उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में यह स्प्लिट हो जाता है द वाइट हुट्स एस्टैब्लिश देप्रीमेसी ओवर कश्मीर पंजाब एंड वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम अबाउट फाइव हंड्रेड एडी ऑनवर्ड ठीक है तो उसके बाद देखिए सबसे पहले आप कौन आ रहे हैं वाइट हुन ठीक है और इन्होंने अपनी जो पावर है इसको जमा लिया था कश्मीर पंजाब वेस्टर्न इंडिया पूरा यहाँ पर अपनी जो सुप्रीमेसी है इसको स्टैब्लिश कर लिया था ये बात चल रही है फाइव हंड्रेड के बाद की ठीक है नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया पास्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ अबाउट हाफ अ डजन फ्यूडेटरीज हु पासड आउट द गुप्ता एम्पायर अमंग डेमसल्व ठीक है अब देखिए जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर वीक पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था कि जो गुप्ता एम्पायर जो थी उसमें फ्यूडेट्रज हुआ करते थे ठीक है Uh, के मतलब जो गुप्ता एम्पायर के जो रूलर होते थे वो अपने अंडर फ्यूडेटरीज रखते थे कि जरूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्प करोगे जब हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आप हमें गिफ्ट टैक्सेस ये सब चीज़ें दोगे अब जब गुप्ता एम्पायर के जो किंग थे वो वीक हो गए बाद में जो उनके सक्सेसर आते हैं वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो सब चीज़ों को संभाल के रख सकें इतने बड़े जो एम्पायर हैं उस पर अपनी जो पावर है उसको बना के रख सकें तो अब क्या होता है बाद में जो फ्यूडेटरीज होते हैं उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर भी यही हुआ जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया था अब धीरे धीरे वो जो गुप्ता एम्पायर के फ्यूडेटरीज़ थे उनके कंट्रोल में आ गया ठीक है तो इसी में से एक डायनेस्टी होती है जो थानेश्वर हरियाणा में अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती है और इतना एक्सटेंड कर लेती है कि बाकी जितने भी फिड्यूट्रीज़ होते हैं उनको भी वो अपने कंट्रोल में कर लेती है ठीक है ये डायनेस्टी किसकी थी हर्षवर्धन की टाइम आपके सामने दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड सिक्स फोर्टी सेवन जो ए डी का जो टाइम था तो इस टाइम पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो आ जाता है हर्षवर्धन का जब यहाँ से आपको एज अ रिज़ल्ट ऑफ द एक्सकवेशन हर्ष का किला इन थानेश्वर सम ब्रिक बिल्डिंग हैव बिन डिस्कवर्ड तो आपको जब यहाँ पर कुछ ये उस वाले एरिया में जब कुछ खुदाई वगैरह की जाती है तो वहाँ पर हमें हर्ष का किला जो थानेश्वर में है वहाँ से कुछ और जो ब्रिक बिल्डिंग वगैरह हम डिस्कवर की जाती हैं बट कैन नॉट बी टेकन टू बी अ पार्ट ऑफ पैलेस लेकिन ये जो पार्ट था ये पैलेस का नहीं था ओके okay? जो हर्ष थे उन्होंने अपनी जो जो कन्नौज था वहाँ पर अपनी जो पावर थी उसको स्टैब्लिश किया था ठीक है उसके बाद वो फिर अपनी जो अथॉरिटी होती है उसको सभी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करते हैं कन्नौज के बाद और सेवन्थ सेंचुरी जो पाटलिपुत्र होता है फेल ऑन बैड डेज एंड कन्नौज केम टू बी फॉर एंड हाउ डिस हैपन पाटलिपुत्र ऑन इट्स पावर एंड इम्पॉर्टेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी टॉल could be collected from the uh, trader, ट्रेडर sorry, who came to be the city from the east, west, north, south across फॉर river. ठीक है तो यहाँ पर बताया हुआ है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें इनकी कंट्रोल में आ जाती हैं Trade भी बहुत अच्छा चल रहा होता है इनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी होती है ट्रेडर्स जो होते हैं उनसे अच्छा खासा इनका उनका जो टोल्स वगैरह मिलते हैं जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करने के लिए जाते थे तो उन पर कुछ टैक्स लगता था जो तो टोल टैक्स होता है ना आज भी होता है उसी तरह लगता था जब वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते थे या वो जो रिवर वगैरह उनको क्रॉस करते थे हाउ एवर वंस ट्रेड डिक्लाइन मनी बिकम्स कार्स एंड ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर पेड थ्रू लैंड ग्रांट्स ठीक है अब जैसे जैसे जो ट्रेड है उसमें डिक्लाइन देखा जाता है तो जो मनी है उसकी कमी दिखाई देगी ऑफिसर्स और जो सोल्जर्स होते हैं उनको अब जो उनकी सैलरी है वो लैंड ग्रेंट्स में दी जाने लगी और इस वजह से जो सिटी की जो अपनी खुद की एक पहचान थी वो क्या होने लगी वो कम होने लगी क्योंकि जब ट्रेड ही नहीं होगा तो लोगों का आना जाना नहीं होगा लोगों का आना जाना नहीं होगा तो वो पहचान कम होने लगेगी ठीक है पावर शिफ्टिंग टू मिलिट्री कैंप्स एंड प्लेस प्लेस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस विज डोमिनेटेड लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड टू दिस क्लास बिलोंग कन्नौज सिचुएटेड इन फारूखाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पी तो आपको कन्नौज की बता रखिए कि जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है एंड टू दिस क्लास बिलोंग कन्नौज सिचुएटेड इन फारूकाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पी इट्स शॉर्ट इन टू पॉलिटिकल प्रोमिनेंस फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड इट इज़ इमरजेंस एज द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द रेन ऑफ हर्श ऑनबर्ड टाइफा इज द कमिंग द फ्यूडियल एज इ नॉर्थ इंडिया जस्ट एज द पाटलिपुत्र लार्जली रिप्रेजेंट द प्री फ्यूडियल ऑर्डर ठीक है तो जब यहाँ पर भी आपको सेम वही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी जैसे कि जो गुप्ता के टाइम पे बाद वाली जो कंडीशन होती है कि फ्यूडियटरीज वगैरह आ जाते हैं जब पावर खत्म होने लगती है फोर्टिफिकेशन ऑफ प्लेसेज इन द प्लेन वॉज़ फार मोर डिफ़िकल्ट ठीक है तो फोर्टिफिकेशन करना भी यहाँ इस प्लेन एरिया में काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट कन्नौज वॉज सिचुएटेड ऑन ए एलिवेटेड एरिया लेकिन जो कन्नौज था ये थोड़ा ऊंचाई वाले एरिया पर जाकर था तो इसीलिए ये ही फोर्टिफाइड हो सकता था कहाँ पर था ये लोकेटेड राइट एट द सेंटर ऑफ दुआब इट वॉज़ वेल फोर्टिफाइड इन द सेवन सेंचुरी ठीक है तो दुआब वाले एरिया में था ये और दुआ वाला एरिया वो होता है जो रिवर के बीच वाला जो एरिया होता है और बहुत ही अच्छे से इसको फोर्टिफाई कर रखा था सेवन सेंचुरी में तो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न विंग्स ऑफ द दुआ सोल्जर कुड बी मूव बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ईस्ट और जो वेस्टर्न विंग्स है उन पर कंट्रोल करने के लिए जो सोल्जर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे या तो लैंड रूट के थ्रू या वाटर रूट के थ्रू ठीक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षा रेन इज रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्टडी बाय बाना भट्ट ठीक है तो देखिए जो अगर हर्ष के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप पढ़िए जो बान भट्ट हैं है ना उनके द्वारा जो भी अकाउंट्स वगैरह तैयार हुए हैं उनसे आप इसके जो ये हर्ष हैं इनके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं जो बान भट्ट थे ये हर्ष के कोर्ट में पोइट थे ठीक है और इन्होंने एक बुक लिखी थी हरिश चरित्र ठीक है हर्ष चरित्र सॉरी और ये जो हर्ष चरित्र था ये किसकी बायोग्राफी थी ये हर्ष की बायोग्राफी थी दिस कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द अकाउंट ऑफ चाइनीज बिलग्रीम हुसांग हु विजिटिड इंडिया इन द सेवन सेंचुरी एंड स्टेट इन द कंट्री फॉर अबाउट फिफ्टी ईयर्स देखिए इन्हीं के टाइम पर हर्ष के टाइम पर ही जो वनसांग थे जो जो चाइनीज बेलग्रिम थे वो भी भारत आए थे और सात साल के लिए यहाँ पर सॉरी पूरे पंद्रह सालों के लिए वो यहाँ पर रुक कर गए थे और ये बात है सेवन सेंचुरी ये ठीक है हर्ष के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी आपको बहुत सारे तरह के टैक्स के बारे में और जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में बताते हैं कि उनके टाइम पे कौन कौन से टैक्स लगते थे और कौन कौन से ऑफिसर्स हुआ करते थे जो हर्ष थे वो एक बहुत ही बड़े हिंदू एम्परर थे ठीक है और वो कभी ऐसा नहीं था कि वो हिंदू एम्परर थे तो एक हिंदू धर्म को थोपना चाहते थे ऐसा बिल्कुल नहीं था उनकी जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड थी नॉर्थ इंडिया तक जिसमें कश्मीर राजस्थान पंजाब यूपी बिहार उड़ीसा तक ही उनका कंट्रोल था साउथ में जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की और एक बार करते भी हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाते वो भी हम देखेंगे क्यों नहीं हो पाते हैं ठीक है इन ईस्टर्न इंडिया ही फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द शेविड किंग शशांक ठीक है देखिए जब भी वो ईस्टर्न साइड पर बढ़ने की कोशिश करते थे तो वहां पर शशांक नाम का एक रूलर होता था जो बार बार उनको रोक दिया करता था ये शशांक वही है जिसने बोधी ट्री को भी कटवा दिया था बोध गया में बोध गया में बोधि ट्री ये वही है जिसके नीचे बैठ के जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनका एलाइटमेंट हुआ था तो जो शशांक थे ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जो बौद्ध धर्म है ये फैले है ना तो इसीलिए ये उस ट्री को भी कटवा देते हैं तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो बोधि ट्री है बोधगया में उसको किसने गिराया था तो वो शशांक ही थे ठीक है हाउ एवर शशांक डेथ इन एटी सिक्स नाइनटीन एन एंड टू दिस हॉस्पिटैलिटी अब जैसे ही सिक्सटीन नाइनटीन में शशांक की डेथ हो जाती है तो अब कहीं ना कहीं जो उसकी पावर है वहां से खत्म हो जाती है हर्ष अब बढ़ने की कोशिश करते हैं साउथ वर्ड अब जब वो साउथ में आते हैं नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हैं तो जैसे ही वो नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हैं उनको रोक दिया जाता है साउथ में पढ़ने के लिए और वो कौन होते हैं वो होते हैं चालुक्य किंग उस समय साउथ नर्मदा रिवर के दूसरी साइड जब आप साउथ में जाओगे तो चालुक्य डायनेस्टी हुआ करती थी और उस टाइम पे जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे पुलकेशन ठीक है वो जो पुलकेशन थे वो पूरा कर्नाटका महाराष्ट्र है ना और उनकी जो कैपिटल थी बदामी तो ये सारा एरिया वो है जो कर्नाटका भी मॉडर्न एरिया है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट तो ये सारा उस समय पूरा चालुक्य डायनेस्टी के अंडर आता था और यहाँ पर रूलर थे पुलकेशन तो जैसे ही ये हर्ष साउथ में बढ़ने की कोशिश करते हैं जो पुलकेशन होते हैं वो इनको बढ़ने से रोक देते हैं इनको हरा देते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस हज डिड नॉट फेस एनी सीरियस अपोजिशन तो देखिए सिर्फ साउथ को छोड़ के बाकी हज ने जहाँ पर भी अटैक करे ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ तो वो हर जगह कामयाब रहे क्योंकि उनको कोई ऐसा कोई अपोजिशन नहीं मिला कि उनको रोक सके लेकिन जैसे ही वो साउथ में बढ़ने की कोशिश करते थे तो उनको जो पुलकेशन था वो हमेशा रोक दिया करता था एंड सक्सेडेड इन गिविंग अ मेजर ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी टू द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया उस इसीलिए साउथ को छोड़ के बाकी अगर हम पूरा इंडिया जो देखें नॉर्दर्न पार्ट वाला ईस्टर्न वेस्टर्न तो वहाँ पर इन्होंने एक अच्छी खासी पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी थी भारत के अंदर एक काफ़ी बड़े एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए जो हर्षवर्धन का जो पूरा टाइम था ठीक है एक ट्रांजिशन टाइम था अगर हम एशियन से मेडिवियल टाइम देखें हम इनके टाइम को ना तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि एशियन था और ना ये कह सकते हैं पूरी तरह से मेडिवियल था ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ से एशियन ख़त्म होता है और मेडिवियल स्टार्ट होता है तो उसके बीच का टाइम था इन्होंने अपनी जो एम्पायर थी उसको बिल्कुल वैसे ही उसी गाइडलाइन पर इन्होंने आगे उसको ट्रीट किया जैसे गुप्तास करते आ रहे थे इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे सब फ्यूडल थे और पावर डिसेंट्रलाइज थी क्योंकि फ्यूडेटरीज़ थे तो ऑब्वियसली बात है कि सबको डिसेंट्रलाइज होगा उसके बाद जो हर्ष थे उनके पास पूरे वन लैक हॉसेज थे सिक्सटी थाउजेंड एलिफेंट थे ठीक है और काफ़ी मतलब अच्छी आर्मी थी इनकी मौरियाज हु रूल्ड ओवर वर्चुअली द एंटायर कंट्री एक्सेप्ट द डीप साउथ देखिए इनका भी ना कुछ ऐसा ही था जैसे कि जो मौर्यास थे वो भी काफ़ी अच्छी तरह से पूरे भारत पे आ, रूल करके जाते हैं लेकिन अगर हम देखें डीप साउथ साउथ के बिल्कुल डीप में आके उनका भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पाया था सेम वही हालत इनकी थी पूरे नॉर्थ में बहुत अच्छा रूल चला था लेकिन साउथ में जैसे ही बढ़ते थे तो ये जीत नहीं पाते थे वहाँ पर ठीक है मेंटेन ओनली थर्टी थाउजेंड कैवलरी एंड द नाइन थाउजेंड एलिफेंट हर्श गुड हैव हैड अ लार्जर आर्मी ओनली इफ ही वॉज इन अ पोजिशन टू मोबलाइज द सपोर्ट ऑफ ऑल द फेडरेटरीज इन द टाइम ऑफ वॉर ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी हमने इसकी आर्मी की बात करी है ये आर्मी इनकी तब थी अगर ये सारे जो हेल्प वगैरह इनकी अपने फेडरेटरीज़ की लेते हैं अगर इनकी हेल्प नहीं लेते हैं तो इनके पास फिर एक छोटी आर्मी होगी मतलब इतनी बड़े नहीं कहेंगे सिक्सटी थाउजेंड ये सब ये ये नहीं इतनी नहीं थी ये सब तब थी जब ये अपने सारे फेडरेटरीज की जो आर्मी वगैरह उसको लगाएं तो एवरी फ्यूडेट्री कंट्रीब्यूटेड हिस्स कोटा ऑफ फूड सोल्जर हॉर्ज एंड इनसली एडिड टू द इम्पीरियल आर्मी जितने भी फ्यूडेट्री थे वो सब इनको ऐसा नहीं था कि सिर्फ नाम के लिए ही थे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इनको फूड सोल्जर हॉर्से वगैरह अपनी जो आर्मी है उसको प्रोवाइड करते थे ठीक है द वास्ट नंबर ऑफ इम्पीरियल आर्मी सजेस्ट अ ग्रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ठीक है लैंड ग्रेड कंटिन्यू टू बी मेड टो प्रस्ट फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडेड टू द स्टेट बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे जो उस समय प्रिस्ट वगैरह होते थे स्पेशल सर्विसेज के लिए जो हर्ष थे ठीक है इज क्रेडिटेड विद द ग्रेंट ऑफ लैंड टू ऑफिसर्स बाय ईशिंग चार्टर वो अपने ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको भी लैंड ग्रांट्स दिया करते थे चार्टर पास करते थे ठीक है जो प्रेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी दिया करते थे ग्रेंट्स वगैरह चाइनीज जो पिलग्रिम होते हैं हुन सांग ठीक है इन फॉर्म हर्ज डेट हर्ष रिवेन्यू वर डिवाइडेड इन टू फोर्थ पार्ट जो चाइनीज पिलग्रिम थे सांग, वो बताते हैं कि जो हर्ष का रिवेन्यू था उसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ था वन पार्ट वॉज मार्ग फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द किंग सेकेंड फॉर द स्कॉलर एंड थर्ड फॉर द इनरॉलमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड पब्लिक सर्वेंट एंड फोर्थ फॉर द रिलीजियस पर्पज़ देखिए पहला क्या था जो रिवेन्यू के मतलब कोई भी रिवेन्यू आया उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया पहला जाता था राजा के खर्चे के लिए किंग के लिए दूसरा जाता था स्कॉलर के लिए जो बड़े बड़े विद्वान होते थे इनके कोर्ट में ठीक है तीसरा जाता था ऑफिसर्स के लिए और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके लिए और जो फोर्थ था वो जाता था रिलीजियस पर्पज़ के लिए मतलब रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई भी उस समय कुछ भी एक्टिविटी होती थी तो उसका ये ये वाला रिवेन्यू ठीक है और रिवेन्यू का जो फोर्थ पार्ट है वो यूज़ में आता था, था वो बताते हैं कि जो मिनिस्टर थे जो हायर ऑफिसर्स थे स्टेट के ठीक है ना उनको लैंड भी दी जाती थी जो फ्यूडल है वो प्रैक्टिस उनको प्रैक्टिस ऑफ रिवॉर्डिंग एंड पेइंग ऑफिसर्स विद ग्रांट ऑफ लैंड सीम्स टू हैव बिगेन अंडर हर्श के मतलब इनाम के तौर पे भी उनको ज़मीन वगैरह दी जाती थी दिस एक्सप्लेन डेट वाई वी डू नॉट हैव वेरी मेनी कॉइन इशूड बाय द कॉइन और यही एक रीजन रहा है कि उस टाइम के हमें ज़्यादा कॉइन नहीं मिलते हैं क्योंकि किंग कि ने इशू ही नहीं कराया क्योंकि उनका यूज़ ही नहीं आ रहा है वो तो लैंड ग्रेंट ज्यादा प्रफ़र कर रहे हैं इन द हर्ष एम्पायर लॉ एंड ऑर्डर वॉज नॉट वेल मेंटेन हर्ष के टाइम पर जो लॉ और ऑर्डर थे उनको बहुत अच्छी तरह से कोई वेल well मेंटेन नहीं किया गया था जो हैन्सांग थे अबाउट हुज वेलफेयर स्पेशल केयर मे हैव बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट वॉज रॉब्ड ऑफ इज बिलोंगिंग ऑल दो ही रिपोर्ट डैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड सीवियर पनिशमेंट वर इन्फ्फ्लेक्टेड फॉर द क्राइम ठीक है uh, जो पनिशमेंट वगैरह भी होते थे अगर किसी तरह का कोई इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी रॉबरी वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड रेजन फॉर विच द राइट हैंड ऑफ द रॉबर वॉज एम्प्यूटेटेड ठीक है तो मतलब काफ़ी हार्ज पनिशमेंट भी थे इट हाउ एवर्स अपियर डेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बहुत मिटिकेटेड एंड क्रिमिनल वर इंप्रीजेंड फॉर लाइफ ठीक है तो ये पनिशमेंट का पूरा आपको बता दिया है कि पनिशमेंट भी होते थे उनको जेल में भी डाला जाता था द रेन ऑफ हर्ष इज़ हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जो टाइम था हर्ष का काफ़ी इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ़ द विजिट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम हुएसांग ठीक है अब ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो चाइनीज पिलग्रिम आए थे हुएसांग ठीक है उन्होंने चाइना को छोड़ा था सिक्स ट्वेंटी नाइन एटी में एंड ट्रेवल ऑल द वे टू इंडिया ठीक है और पूरा फिर वो भारत घूमते हैं इस टाइम पर आफ्टर अ लॉन्ग स्टे इन इंडिया रिटर्न टू चाइना इन एडी सिक्स फोर्टी फाइव ठीक है और एक काफ़ी लंबे टाइम तक भारत में रुकने के बाद वो चाइना लौटते हैं सिक्स फोर्टी फाइव एटी में ठीक है जब वो यहाँ पर भारत में आते हैं तो वो बोध मतलब यूनिवर्सिटी है नालंदा वहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं काफ़ी टाइम तक ठीक है जो कि कहाँ पर है बिहार में है एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्राम इंडिया और यहीं भारत से कुछ अपने साथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह वो भी लेके जाते हैं काफ़ी ज़्यादा साल ये हर्ष के कोर्ट में भी बिताते हैं ठीक है और उस समय ही ये इंडिया को घूमते हैं हर्ष एक बहुत बड़े सपोर्टर थे बौद्ध धर्म के एंड मेड जेंडरस इन्मेंट अब बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा भी करते हैं ये जो बौद्ध धर्म है उसके लिए ठीक है द पेलग्रिम विविटली डिस्क्राइब हर्ष कोर्ट एंड लाइफ इन दोज डेज ठीक है जो पेलग्रिम है मतलब जो जो अकाउंट वगैरह हैं वो आपको एक बहुत ही डिटेल एक हर्ष की लाइफ के बारे में और उनकी कोर्ट लाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ बताता है दिस अकाउंट इज़ रिचर एंड मोर रिलायबल दैन डेट ऑफ द फाहान तो ये काफ़ी ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें दोनों के अकाउंट को जो फाहान है और जो वेंस का दोनों के अकाउंट्स को हम कंपेयर करते हैं तो जो वेंसान का जो अकाउंट है वो ज़्यादा रिलायबल है ठीक है वो हमें सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताता है साथ में जो रिलीजियस सेक्ट थे उस टाइम के उसके बारे में भी बताता है द चाइनीज़ अकाउंट शोज़ द पाटलिपुत्रा वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन एज वॉज वैशाली तो चाइनीज अकाउंट में ये भी बताता है कि जो पाटलिपुत्रा था वो डिक्लाइन भी हुआ है उसका वैशाली की तरह और दूसरी तरफ क्या बता रहा है कि जो प्रयाग और जो कन्नौज थे जो दुआ वाला एरिया था वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था जो पाटलिपुत्र था वो कभी तब इम्पॉर्टेंट हुआ करता था मौर्य के टाइम पे ठीक है अशोक के टाइम पे अब जो पाटलिपुत्र को पहले जो एक इंपॉर्टेंस मिल रही मिल रही थी अब वो कहाँ पर अब वो किसको मिल रही है प्रयाग और कन्नौज को मिल रही है ब्राह्मण क्षत्रिय ठीक है अभी यहाँ पर सिंपल लाइफ जी रहे हैं लेकिन जो नॉबल्स थे और जो प्रिस्ट थे वो बड़ी ही अच्छी लग्जोरियस लाइफ जी रहे हैं ऐशो आराम वाली दिस इंडिकेट डिफरेंसिएशन इन द रैंक ऑफ ईच ऑफ द टू हायर वर्ना एंड द मेजोरिटी इन ईच ऑफ द हैव टेकन टू एग्रीकल्चर एंड हुए सांग कॉल द शूद्र एग्रीकल्चरिस्ट विच इज सिग्निफिकेंट हुए जो शूद्र हैं उनको यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से बुलाया है एंड द अर्लियर टेक्सट रिप्रेजेंट दम एज अ सर्विंग द थ्री हायर वर्ना लेकिन जो अगर आप पुराने टेक्सट देखोगे तो उसमें क्या कहा गया है कि ये जो शूद्र हैं ये क्या होते थे कि अपने से जो ऊपर तीन हायर जो वर्ण हैं जिसमें हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्याज आते हैं ये उनकी सेवा करने के लिए हैं जो शूद्र हैं ये उनकी सेवा करने के लिए हैं लेकिन बाद में इनको क्या बताया हुआ साग ने अपने टेक्स्ट में कि ये कौन है एग्रीकल्चरिस्ट मतलब तो जो खेती करें चाइनीज़ पिलग्रिम ने जो थे उन्होंने हमें ये भी बताया है जो अनटचेबल्स थे ठीक है जो स्कैंजर ठीक है मतलब जो उस समय साफ़ सफाई वाले थे ठीक है उनको अनटचेबल्स कहा जाता था और ये जो अनटचेबल्स थे ये गाँव के बाहर रहते थे क्योंकि ये गार्लिक ऑनियन ये सब चीज़ें खाते थे और जब ये टाउन में आते थे तो टाउन में आने से पहले इनको अनाउंस करना पड़ता था कि ये गांव में आएंगे जिससे कि जो लोग हैं वो इनको देखे ना और उससे पहले ही वो अपने घर में चले जाएं। कि मतलब जो लोग थे उस समय के वो इन जो ये अनटचेबल्स हैं इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे ठीक है एंड नालंदा अब हम बुद्धिज़् और नालंदा के बारे में देखेंगे तो देखिए जो बुद्धिस्ट है उसको 18 सेक्ट में डिवाइड किया गया है जब चाइनीज़ पिलग्रिम भारत में आया था जो ओल्ड सेंटर है बुद्धिज़म के ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा बैड मतलब वो वह काफ़ी कोई अच्छी हालत नहीं थी उनकी जो ओल्ड सेंटर्स थे बुद्धिज़्म के क्योंकि कुछ नए सेंटर बने थे जो काफ़ी फेमस थे जैसे कि नालंदा काफ़ी बड़ा ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी ये उस टाइम की बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए ठीक है इसमें दस हज़ार जो स्टूडेंट थे वो इसमें स्टडी करते थे और ये सब बुद्धिस्ट फिलासफी को पढ़ते थे और इस स्कूल को बोलते थे महायान स्कूल ठीक है ऑल दो ऑल द माउंट्स ऑफ नालंदा हैड नॉट बीन डग एंड एक्सकीवेशन एक्सपोज अ वेरी इंप्रेस इंप्रेसिव कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग तो देखिए एक टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसको पूरा खत्म कर दिया था एक भक्तियार खिल था उसने इस पूरी जो यूनिवर्सिटी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था लेकिन काफी साल बाद जब यहाँ पर खोदा गया सब कुछ वापस से निकला तो एक काफी इम्पेसिव कॉम्प्लेक्स था जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा वो हमें देखने के लिए मिला ठीक है दीज वर रेज एंड रिनीवेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवन हंड्रेड ईयर्स फ्राम द फिफ्थ सेंचुरी ऑनवर्ड ठीक है बाद में इसको रिनोवेट भी किया गया एंड द बिल्डिंग एक्सपोज बाय एक्सकविवेशन डू नॉट हैव द कैपेटी टू अकोमेडेट टेन थाउजेंड In 8670, another Chinese pilgrim, uh, In Singh. विजिटेड नालंदा ही मैंशन एट ओनली थ्री थाउजेंड मॉन्ग्स लिव देर बाद में एक और चाइनीज पिलग्रीम आते हैं वो बताते हैं जब वो नालंदा को घूमते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तीन हज़ार जो मॉक्स हैं वही रह सकते हैं तो मतलब वही अलग अलग चाइनीज़ पिलग्रीम आएंगे वो अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट बता के जाएंगे दिस इज रीजनेबल बिकॉज इवन इफ द रिमेनिंग माउंट्स आर एक्सकीवेटेड द बिल्डिंग कैन नॉट हैव सफिशियंटली स्पेशियस टू हैव एकोमोडेट क्योंकि कुछ पार्ट जो था वो उसका दब गया था ठीक है उसको जब आप एक्सपोज ही नहीं करोगे तो जगह कहाँ से बनेगी? अकॉर्डिंग टू सांग द मोनास्ट्री एट नालंदा वॉज सपोर्टेड फ्राम द रिवेन्यू ऑफ हंड्रेड विलेजेस ठीक है तो जो सांग है जो मुना, वो बताते हैं कि जो नालंदा जो मोनास्ट्री मठ वगैरह थे नालंदा में ठीक है वो कम से कम जो सौ गांव थे वो

ये सौ के दो सौ विलेज बताते हैं नालंदा दस हैड अज मोनास्टिक इस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धा तो देखिए नालंदा में बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो हम बोध से रिलेटेड मन वो क्या कहते हैं सॉरी मठ स्तूप ये सब चीज़ें बहुत बनी हैं ठीक है हर्षवर्धन के टाइम पे जो हर्ष थे वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे रिलीजियस पॉलिसी को लेके ऐसा नहीं था कि वो खुद बौद्ध धर्म को मानते थे तो बाकी सब धर्म को वो दबाने की कोशिश करते थे नहीं शुरुआत में वो शेम जो शैव है वो उसको मानते थे लेकिन बाद में वो एक काफ़ी बड़े बौद्ध धर्म के पेट्रॉन बन जाते हैं ठीक है थीके? और उसके बाद एक ग्रेट असेंबली भी की जाती है कन्नौज में जो एक काफ़ी बड़े लेवल पर होती है जिसमें महायान की जो डॉक्टराइंस है उनके बारे में और उनको काफ़ी प्रमोट किया जाता है है। जो असेंबली है वॉज अटेंडेड नॉट ओनली बाय हुग एंड द कामरूप रूलर भास्कर वर्मन बट ऑल्सो बाय द किंग ऑफ ट्वेंटी स्टेट्स बाई सेवरल थाउजेंड प्रिस्ट्रिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट तो ये जो असेंबली है uh, इसको जो हनसांग होते हैं जो कामरूप रूलर होते हैं भास्कर वर्मन वो भी अटेंड करते हैं बाकी ट्वेंटी स्टेट्स के जो किंग होते हैं बहुत सारे जो प्रिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उस असेंबली में आते हैं और इसको ज्वाइन uh, करते हैं ठीक है टू थेस्ट हॉल पर बिल्ड टू अकोमोडेट थाउजेंड पर्सन ईच बड़े बड़े हॉल बनवाए गए थे जिसमें कम से कम हज़ार लोग तक आ सकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी एक बहुत बड़ा टॉवर ठीक है जिसे बनवाया गया था मिडल में ऑफ़ विच अ गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्ध ठीक है और एक गोल्डन स्टैचू बुद्ध का ठीक है और उसी के बीच में एक टॉवर बनवाया गया था एस टॉल एज द किंग हिमसेल्फ वॉज प्लेस हर्ष वर्शिप द इमेज एंड गिव अ पब्लिक डिनर ठीक है और हर्ष यहाँ पर वर्शिप करते थे उस इमेज की और एक बहुत ही बड़ा पब्लिक डिनर होता था यहाँ पर द डिस्कशन इन द कॉन्फ्रेंस वॉज इनिशिएटेड बाय द हुन सांग तो एक काफ़ी बड़ा डिस्कशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने आपको बताया बड़े बड़े बंदा कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी जो ये हॉल वगैरह बनवाए थे और इसको स्टार्ट किया था हुनसांग ने ठीक है और इसमें वो क्या बताते महायान बुद्धिज्म के बारे में बताते थे ठीक है लोग वगैरह को लोगों को कुछ भी उनसे पूछते हैं तो वो उनके सवालों का जवाब देते थे नो बडी केम फॉरवर्ड फॉर फाइव डेज एंड हिज थियोलॉजिकल राइवल कॉन्सपायर टू टेक पिलग्रिम लाइफ हियरिंग ऑफ दिस प्लॉट हर्ष रिटर्न टू बी हैड एनी बडी एंड कॉजिंग वन संग harm स्लाइटेस्ट suddenly the great tower caught fire and there was an attempt to assign it hush. तो लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर यह चीज़ भी ज़्यादा नहीं चल पाती जो कॉन्फ्रेंस वगैरह वो ज़्यादा नहीं चल पाती इस जो इस तरह की चीज़ें होती हैं बल्कि जो वन सांग हैं उनको भी यहाँ पर मारने वगैरह की धमकी दे दी जाती है हर्ष पर भी हमला होता है ठीक है जो टॉवर है उसको भी जला दिया जाता है हर्ष देन अरेस्टेड फाइव हंड्रेड ब्राह्मण्स ही बैनिश्ड मोस्ट ऑफ दैम एंड ऑल्सो एक्जीक्यूटिड ऑफ और इसी चक्कर में जो हर्ष होते हैं वो पाँच ब्राह्मण को यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं मतलब खास उन्हीं को करते हैं जो इन सब चीज़ों के खिलाफ होते हैं जो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं एंड दिस वुड इंडिकेट हर्ष वॉज नॉट अ टॉलरेंट एज ही इज़ पेंटेड और यहाँ इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हर्ष को जितना टॉलरेंट बताया था कि वो रिलीजियस पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी टॉलरेंट है तो इससे ये तो पता चलता है कि यहाँ पर वो इतने टॉलरेंट नहीं थे जितना कि उनको बताया गया है क्योंकि 500 ब्राह्मण को पकड़वाना ठीक है उनको कुछ को मरवा देना बाकियों को जेल में बंद कर देना तो इससे ज़्यादा टॉलरेंट तो आप मतलब इसमें जिस तरह से बुक में बताया हुआ है मैं आपको उसी तरह से बता रही हूँ तो उससे ये यहाँ पर ये यह कहा गया है कि उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो इतने टॉलरेंट नहीं थे आफ्टर कन्नौज ही held at प्रयाग अ ग्रेट असेंबली which was अटेंडेड बाय ऑल द tributary princes, मिनिस्टर nobles. ठीक है so, तो उसके बाद बता रहे हैं कन्नौज में एक असेंबली रखी जाती है जिससे ज़्यादातर जो ट्रिप्यूटरी होते हैं princes, मिनिस्टर nobles, उनके कोर्ट में सब उसको अटेंड करते हैं और इस खास ओकेजन पे जो इमेज होती है बुद्धा की उसकी worship की जाती है ठीक है एट द एंड ऑफ एट हर्ष मेड यूज़ डोनेशन और जो हर्ष है बहुत बड़े डोनेशन करते हैं अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ठीक है हुन संग स्पीक ऑफ हर्श इन ग्लोइंग टर्म्स तो जो वन संग है वो हर्ष के बारे में बहुत ही अच्छे से बड़े गुणगान तरीके से बताते हैं कि वो बड़े काइंड थे ठीक है हेल्पफुल थे और जो मतलब काफ़ी ज़्यादा uh, उन्होंने उनके जो एरिया है उसको घूमा है उनके एम्पायर को जिससे उन्हें ये सब चीज़ें पता चलती हैं ठीक है थीके? बान गिवस की फ्लैटरिंग अकाउंट ऑफ द अर्ली ईयर ऑफ इस पेट्रॉन इन इज बुक हर्ष चरित इन एन ऑर्नेट स्टाइल विच बिकेम अ मॉडल फॉर लेटर राइटर्स और बान भट्ट ने हर्ष चरित्र को इस तरह लिखा था कि मतलब वो एक तरह से इतना अच्छे से लिखे गए थे उसे कि जो एक मॉडल बना गए थे उन्हें जो बाकी राइटर्स हैं वो उनके लिए एक मॉडल बन गए थे कि भाई वाह कितना अच्छा लिख कर गए और कितने अच्छा जो हमारा किंग है उनके बारे में हर्ष इज़ रिमेंबर नॉट ओनली फॉर द पेट्रोनेज एंड लर्निंग बट आल्सो फॉर द ऑथरशिप ऑफ थ्री प्लेस जो हर्ष थे वो सिर्फ इसलिए नहीं जाने जाते कि वो बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे या उनकी लर्निंग की वजह से नहीं बल्कि वो एक ऑथर भी थे उनके तीन प्ले थे प्रियदर्शिका रत्नावली और नागनंद ठीक है नागानंद ये तीनों प्ले किसने लिखे थे हर्ष ने लिखे थे मान जो थे वो पोइटिकली काफी स्किलफुल थे ठीक है बाद में कुछ सम लेटर ऑथर्स कंसिडर हिम टू हैव अ लिटरेरी मोनार्क बाकी जो कुछ ऑथर आते हैं तो वो बान भट्ट को लिटरेरी मनाक के तौर पे भी पहचान देते हैं जो हर्ष थे उन्होंने जो तीन ड्रामा लिखे थे वो बाय सेवरल मेडिवल स्कॉलर ठीक है तो मतलब कुछ कहते हैं कि उन्होंने लिखे थे कहीं कुछ ना कुछ डाउट है कि शायद उन्होंने नहीं लिखे थे कोई कोई और स्कॉलर थे लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पर अगर इन तीनों में से किसी भी प्ले के बारे में पूछ रहा था किसने लिखा तो आप वहाँ पर हर्ष ही बताओगे इट इज़ हेल्ड एट वर कम्पोज बाय अ पर्सन कॉल्ड द इन द नेम ऑफ हर्ष तो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि वो किसी और ने लिखे थे बाद में जिसको नाम दे दिया हर्ष का तो हर्ष में हैव कम्पोज सम पीसेज बट द प्रूव गोज डेट रॉयल ऑथर आर ओनली हाफ ऑथर इन बोथ एशियन एंड मेडिवील्ड इंडिया वेरियस अचीवमेंट इंक्लूडिंग हाई लिटरेरी अटेनमेंट वॉज एस्क्राइब टू किंग इन ऑर्डर टू बूस्ट इज इमेज देखिए पुराना समय ऐसा था एशियन टाइम मेडियावल टाइम ये बहुत सारी जो अचीवमेंट थी अच्छे काम थी, अच्छे काम थे अच्छे अच्छे जो लिटरेरी वर्क था उनको राजा के नाम कर दिया करते थे किंग के नाम कर दिया करते थे सब जिससे कि जो उसकी इमेज है उसको बहुत अच्छा बना सके मतलब कुछ ऐसा कर दें कि वो फ्यूचर में जब लोग इतिहास को पढ़ें तो उस राजा को बहुत ही एक अच्छी इमेज के साथ दिखें कि वाकई में क्या राजा रहा है द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजिंग द पेट्रॉन इनिशिएटेड बाय द हरी सेन इन द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त और ये चीज़ राजा की तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा के करनी बहुत ज़्यादा ये स्टार्ट हुई थी समुद्रगुप्त के टाइम पे जब उनके कोर्ट में हरी सेन थे क्योंकि जो हरी सेन है वो भी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे चीज़ें लिखते हैं ठीक है जिससे जो समुद्रगुप्त है हैं उनकी जो इमेज है वो अलग ही लेवल पर देखी जाती थी ठीक है बिकम कॉमन एंड वेल इस्टेब्लिश अंडर हर्ष और यही चीज़ हर्ष के टाइम पर काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही कॉमन हो चुकी थी और हर कोई कर रहा था इविडेंटली द ऑब्जेक्ट इन सच आर केसेज वट नॉट ओनली टू विन द फेवर ऑफ द किंग बट ऑल्सो वेलीटेट एंड एक्जेट इज पोजिशन इन द आईज़ ऑफ इस ड्राइवल एंड दिस ऑब्जेक्ट अब इससे होता गया था जो लिख रहा है उसकी भी तो इमेज अच्छी बनती थी, थी किंग के बारे में अब आपके बारे में कोई अच्छा अच्छा लिखेगा तो वो इंसान भले ही अच्छा ना हो लेकिन आप उसको अच्छा समझ लो कि भाई मेरे बारे में तो अच्छा लिख रहा है ठीक है तो उससे लिखने वाले की भी काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाता था किंग का हमेशा फेवर उसी के साथ रहता था और साथ में जो किंग है उसका तो आ, इमेज बन ही रही है अच्छी उसके जो राइवल्स हैं उसके जो दुश्मन हैं है ना उनकी नज़रों में और कि भाई मतलब होता है ना एक आप अपने इंसान के बारे में अपने किंग के बारे में बहुत अच्छा लिखोगे तो ये चीज़ें किसको चुभेंगी जो सामने जो उसके राइवल्स हैं ठीक है तो यहाँ पर भी यही चीज़ें देखी गई हैं बाकी ये क्रोनोलॉजी है आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं ये सब वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है बस यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी के साथ बता दिया है अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा नेक्स्ट होगा ट्वेंटी ठीक है जिसमें हम ब्राह्मण रूल ऑफ पीज एंड प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ेंगे पैनसोला के बारे बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हमने सारा कुछ जो हर्ष से इम्पॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है ठीक है और इस लेक्चर के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू